छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे 4 दिवसीय विधानसभा का मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आक्रामक रणनीति बनाई है। मॉनसून सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि सत्र में चर्चा के लिए जनहित के कई मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा हैं। विपक्ष का प्रयास है कि सत्र में जरूरी मुद्दे उठाए जाएं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि कोरोना से प्रदेश में स्थिति खराब है, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि सत्र में विस्तार से चर्चा होती है तो जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं। सरकार प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, लेकिन 3 दिन के इस छोटे से सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि जनहित के मुद्दे जो आवश्यक है वो उठे, लेकिन विषय जितना है समय बहुत कम है और ऐसे में केवल ये हो गया कि दिखावे के लिए विधानसभा बुलाई गई है।